नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 22 रैलियां और सभाएं करके सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में बंगाल जीतने के लिए कभी किसी प्रधानमंत्री ने इतनी ताकत नहीं झोंकी जितनी नरेंद्र मोदी ने लगाई है। ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जी जान लगा चुके हैं नरेंद्र मोदी। सातवें और अंतिम चरण में भी पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जमीन नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए इतनी अनुकूल है कि 22 रैलियों से वहां ममता बनर्जी का तख्ता पलट हो जाएगा और बंगाल में कमल खिल जाएगा? जिन राज्यों में भाजपा ने 2019 में 100% या उससे कुछ कम सीटें हासिल की थी, वहां भी नरेंद्र मोदी का ध्यान इस बार उतना नहीं रहा जितना पश्चिम बंगाल के लिए रहा है। शायद उन्हें इल्म है कि भाजपा के आधार राज्यों में सीटें इस बार गिर रही हैं, उसकी भरपाई के लिए पश्चिम बंगाल बेहतर ऑप्शन है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2014 में भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं, लेकिन 2019 में लंबी छलांग लगाकर भाजपा ने 18 सीटें जीती थीं। शायद इसी उपलब्धि पर इस बार ममता बनर्जी का तख्ता पलट के इरादे से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सफाई के लिए खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ है। क्या बंगाल में भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में जीती 18 सीटें बचा पाएगी? यह अहम सवाल है। पीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भाजपा की जीत को अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में डाल दिए गए। ममता दीदी की भी हर दिशा में घेराबंदी कर दी गई। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और प्रचार के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के अरमानों की जमकर ऐसी तैसी की। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। ममता बनर्जी की दहाड़ भी मोदी जी के मंसूबों पर पानी फेरती दिख रही है। नरेंद्र मोदी का सरकार का एक ही काम है भाजपा का, गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी बाई द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी, और झूठा है, झूठला है, इसी के लिए उसको विश्वास करना मुश्किल है। दिल्ली देश की राजधानी है तो कोलकाता सांस्कृतिक राजधानी। कभी केरल की तरह वाम दलों का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से ममता बनर्जी का राज है। भाजपा की मदद से पश्चिम बंगाल में वाम दलों का सफाया करने के बाद भी ममता बनर्जी ने वहां भाजपा को जमने नहीं दिया। जबकि बंगाल ही हिंदुत्व का, हिंदू महासभा का गढ़ है और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पश्चिम बंगाल के ही हैं, बावजूद इसके वहां भाजपा की सांसें चढ़ रही हैं। ये बात दीगर है कि वाम दलों का एक गढ़ त्रिपुरा फतेह कर लिया है संघ परिवार ने। शायद आरएसएस और भाजपा को भी यह मालूम है कि वाम राजनीति आज नहीं तो कल परवान चढ़ेगी, जो भाजपा की सेहत के लिए कतई सही नहीं होगा। इसलिए शून्य जनाधार के बावजूद केरल जीतने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने सारी ताकत झोंक दी है। पूरे देश के निरंकुश शासक बनने और भारतीय राजनीति में वाम का सफाया करने के लिए उसके दो बचे हुए गढ़ बंगाल और केरल जीतना नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है। शायद इसी की ओर जोर आजमाइश पश्चिम बंगाल में हो रही है।
ममता बनर्जी ने 1984 के लोकसभा चुनाव में माकपा के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर से हराकर संसद पहुंचकर बड़ा धमाका किया था। राजीव मंत्रिमंडल और नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में वे मंत्री भी बनी, लेकिन उन्हें असली पहचान और ताकत 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनने के बाद मिली, जब उन्होंने वाम सत्ता को खुली चुनौती देना शुरू कर दिया। फिर नीतीश कुमार की तरह पलटी खाकर ममता दीदी कांग्रेस की मनमोहन सरकार में भी रेल मंत्री बन गई 2009 में। तब इस सरकार को वाम दलों का समर्थन भी प्राप्त था। नंदीग्राम, सिंगूर, लालगढ़ जैसे आंदोलनों में ममता बनर्जी ने माओवादियों का भी सहारा लिया, ऐसा उनके विरोधी कहते हैं। कांग्रेस छोड़कर वे तृणमूल कांग्रेस बनाकर अटल जमाने में भाजपा से नत्थी हो गईं। 2011 में विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 35 साल के वाम शासन का तख्ता पलट करने में भी भाजपा ने ममता बनर्जी की पूरी मदद की। भाजपा टीएमसी गठबंधन से ही बंगाल में भाजपा की जमीन तैयार हुई, लेकिन बंगाल में भाजपा की ताकत बढ़ते ही ममता बनर्जी पूरे देश से भाजपा को उखाड़ फेंकने की मुहिम में शामिल हो गईं। इसलिए ममता दीदी का हिसाब किताब बराबर करना मोदी जी के लिए जरूरी हो गया है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के हमले, कोलकाता हाईकोर्ट के एक के बाद एक विवादित फैसले, संदेश खाली कथित बलात्कार कांड और नागरिकता संशोधन कानून के तहत हिंदू बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता देने के झुंझने का कोई असर हुआ या होगा, ये तो आने वाली 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन मोदी की रैलियों का आंकड़ा बता रहा है कि वे पश्चिम बंगाल को यूं ही खाली जाने देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, इतो होते देवोना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है इटा होते देवोना। अमित शाह के अलावा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल में खूब रैली सभाएं कर चुके हैं। दक्षिण भारत की तरह पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की लहर पैदा करना बहुत मुश्किल है। असम और त्रिपुरा के हालात भी पश्चिम बंगाल में नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार को ममता बनर्जी के खिलाफ मुख्य मुद्दा बनाया नरेंद्र मोदी ने और संदेश खाली को राष्ट्रीय मुद्दा भी बनाया। संदेश खाली की कथित पीड़ित रेखा पात्र को मोदी जी ने अपनी पहल पर वशीरहाट से उम्मीदवार बनाया और उनके समर्थन में रैली भी की। हाईकोर्ट से ममता सरकार के खिलाफ विवादित फैसला करने वाले न्यायाधीश अभिजीत बनर्जी को इस्तीफे के साथ ही लोकसभा उम्मीदवार भाजपा ने बना दिया। नतीजा क्या निकला? क्या इससे भाजपा अपना 2019 वाला प्रदर्शन भी दोहरा पाएगी? बताया जाता है कि 2019 के चुनाव में नमशूद्र बहुल सीटों पर हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने के वायदे से भाजपा ने चुनाव जीता था। कानून लागू है, लेकिन बांग्लादेश के दस्तावेज अनिवार्य होने के कारण नागरिकता के लिए आवेदन नहीं हो पा रहे हैं और ना ही इस कानून के तहत नागरिकता किसी को मिली है। मतुआ संप्रदाय नेता शांतनु ठाकुर भी अपने समर्थकों को पश्चिम बंगाल में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस पर 400 पार के एजेंडे के साथ संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की चर्चा से नागरिकता का मुद्दा हाशिए पर चला गया है। बंगाली नमशूद्रों का एक बड़ा हिस्सा अब भाजपा के खिलाफ लामबंद है। अभी भी बीजेपी डरता है, सीबीआई कर देगा, ईडी कर देगा, इनकम टैक्स कर देगा, लेकिन मैं आपको कहती हूँ, लड़ना है तो बाघ का माफिक टाइगर का माफिक लड़ाई करो। इतना डरने का कोई बात नहीं है। एक बंगाल है, रॉयल बंगाल टाइगर का जगह है, जो जगह में हम लड़ते हैं, हम करते हैं, हम मरते हैं, लेकिन हम फाइट करके जिंदा रहते हैं। संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए बीएसपी के वोटर से लेकर दलित, आदिवासी और पिछड़े मतदाता जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात में भी भाजपा के खिलाफ रणनीतिक वोट करते दिखे, कुछ वैसा ही बंगाल में होने का अंदेशा है।
असल में मोदी की लड़ाई बंगाल जीतने की नहीं बल्कि अपनी 18 सीटें बचाने की है। ऐसा ना हुआ और देश में तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई तब भी नरेंद्र मोदी की खूब फजीहत होगी। इसलिए अंतिम चरण में भी बुधवार को नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 2 रैलियां की। ममता बनर्जी ने कांग्रेस या वाम दलों के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। इससे लग रहा था कि शायद मोदी जी अपनी रणनीति में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी सीधे भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी में कामयाब होती दिख रही हैं। भ्रष्टाचार, संदेश खाली और नागरिकता के भाजपाई मुद्दों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा का कोई बड़ा नेता बंगाल में प्रचार के लिए नहीं गया इस बार। इससे सभी सीटों पर विपक्ष की लड़ाई संविधान और आरक्षण बचाने के लिए मोदी के तख्ता पलट की लड़ाई में बदल गई। पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान आबादी है। अनेक सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, आखिरी की 9 सीटों में भी। लाख कोशिशों के बावजूद धर्म के नाम पर दक्षिण भारत में भाजपा हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर सकी और पश्चिम बंगाल में भी ये एजेंडा काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी को मुसलमानों का पूरा समर्थन प्राप्त है, क्या हिंदू एकमुश्त होकर भाजपा को पश्चिम बंगाल में समर्थन दे सकता है? मोदी जी इस दिशा में पूरा दमखम लगाए हुए हैं, देखिए आगे आगे होता है क्या। बने रही अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।